चाहिए, पुदीना देना चाहिए, है ना। और क्या दे सकते हैं? कैल्शियम दे सकते हैं। उसमें से कुछ और आएगा या सब आ गया हमारे पास? ग्लूकोस यहाँ यस, इसलिए मैंने लिखा नहीं, अभी भी कंफ्यूजन नहीं लगती कम से कम, ठीक है। अब यहाँ क्या देना चाहिए? बहुत बढ़िया, ग्लूकोसामाइन। और क्या देना चाहिए? फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? पुदीना। और क्या दे सकते हैं? विटामिन। और क्या दे सकते हैं? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, विटामिन और कैल्शियम आप प्रेफर कीजिए विटामिन लेने का, क्योंकि विटामिन के अंदर कैल्शियम ऑलरेडी है, है ना। कोई केस ऐसा लगता है सर कैल्शियम देने की जरूरत है तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर सीवियर केस है तो कैल्शियम आप ना भी दे तो चलेगा, विटामिन जरूर, क्योंकि विटामिन के अंदर कैल्शियम है। और ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम में से एक चीज दे नहीं, पुदीना है, विटामिन है और फ्लैक्स ऑयल है, तो इन दोनों में मैंने कहा एक ही सिलेक्ट करना है, समझ आ गई बात। अब देखिए फ्लैक्स ऑयल का डोज आप दीजिए 2-2-2, अगर इतना दे तो भी काम चल सकता है, मतलब आप उसको बीटी भी दे सकते हैं, टीडीएस भी दे सकते हैं, तो आप उसको 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम दीजिए। विटामिन सिर्फ उसको एक ही देना है नाश्ते के बाद, सिर्फ नाश्ते के बाद। रात को अगर विटामिन दे देंगे तो मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है जी, रात भर नींद नहीं आती, इतना शानदार है, रात भर नींद नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती भाई, खाना खाने के बाद, खाना के एक ही दे दीजिए, उसको कोई खान जो उसने खाना खाया उसकी वजह से कोई एसिडिटी वैसिडिटी ना बने, ठीक है। और उसके रेड जिंसन जो देना है एक उसको एनफ है, ये आप उसको दोपहर में दे दीजिए या रात में दे दीजिए, जैसे सेट करना वैसे सेट कर दीजिए, समझ आ गया। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भाई, यहां पे आप गोभी, दही, शिमला मिर्च, एटलीस्ट ये प्याज एटलीस्ट नहीं देंगे। हमने क्या किया जी, आपको बार बार मैं एक बात बताता हूँ, हमने लगा दिया कहीं आग, एक मग्गा पेट्रोल डाल दिया फिर एक मग्गा पानी डाल दिया फिर एक मग्गा पेट्रोल डाल दिया फिर एक मग्गा पानी डाल दिया, आग बुझ जाएगी क्या? कभी नहीं। एक तरफ से हम क्या करते जा रहे हैं, क्लीनिंग करते जा रहे हैं, दवाई दे दे के, और एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, मैम आप जरा खड़े हो जाइए, आ जाइए यहाँ, आ जाइए आइए। हम सुबह से लेंगे रात तक का खाने में जरूर प्लीज सर, हाँ सुबह सुबह नाश्ता भी जाती है, खाने का शेड्यूल बता दिए, अभी मैं आपको एक बार खत्म कर देते हैं फिर हम शुरू करेंगे। सुबह मॉर्निंग टी होती है 7 से 8 बजे के करीब में, उसके साथ अगर लेते हैं तो ब्रश थोड़ा सा या 2-3 बिस्किट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या ब्रश होता है सर, ब्रंच हम लोग 12 बजे के करीब लेते हैं, 12 बजे लेते हैं, हाँ। और कुछ नहीं लेते बीच में, नहीं इसके बीच में कुछ नहीं लेते क्योंकि चाय और 2 बिस्किट ले चुके होते हैं, ठीक है जी। 12 बजे ब्रंच में प्रॉपर लेते हैं, अगर दाल चावल बने हो या रोटी सब्जी या जो भी है, सैलेड पैलेट सब होता है। कितनी रोटी होती है सर? दो, मेरी तीन होती है, उसके बाद सर हम लोग अगर 4 बजे के करीब एक चाय लेते हैं, बच्चे दूध लेते हैं, सुबह हम लोग बिस्किट भी लेते हैं, बिस्किट हाँ, उसके बाद इतना कुछ होता है साथ खाने चाय नहीं लेते, उसके बाद मैं दिन से खाना खाती हूँ तो मैं 6-6:30 तक खाना खा लेती हूँ। क्या खाते हैं सर? जो भी रोटी सब्जी रही, 3 रोटी ठीक है मैम, बैठिए।
मैं गारंटी दे सकता हूँ जी, 3 महीने के अंदर 46 kg वजन इनका कम कर, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ अगर ये मेरे डाइट को फॉलो करे। मैं अभी यहाँ गारंटी देता हूँ, अगर 3 महीने के अंदर मिनिमम मिनिमम कम हुआ तो 6 × 3 = 18 kg तो कम की मेरी गारंटी। और मैं आपसे ही फॉलो करूंगा, मेरी गारंटी है। ऐसे भी बोल रहा हूं, आपको लास्ट टाइम मैंने फोटोग्राफ भी दिखाया था अपने पेशेंट का, और एक मिरेकल और दिखाता हूं मैं आपको मोदी केयर के हेयर ग्रोथ का, जो मेरा खुद का डाउनलाइन है, एक बार आप देख लीजिए, अभी सर को मैंने दिखाया था, बाल आ गए से नहीं जी,